प्रियांशी ढाकरा। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को प्रणाम करती हूँ। ये हमारी कवित्री जो है कभी कभी साल में एक बार आती है संस्थान, सिर्फ इसको इसलिए हमने स्वतंत्रता दे दी क्योंकि इस प्रयास से डॉक्टर बन चुकी है, बनेगी डॉक्टर। तो जैसा कि अंकल ने बता दिया मेरे बारे में, मेरा नाम प्रियांशी है और मैं MBBS फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आप सभी ने RG का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ जो दुराचार हुआ उसके बारे में सुना ही होगा। एक महिला डॉक्टर जो 36 घंटे से OPD में काम कर रही थी, कुछ देर के लिए जब वो आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में गई तो कुछ दुराचारियों ने उसको रेप करके उसे मार दिया। तो मैं उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए कुछ शब्द लिखे हैं, मूल्यांकन आप लोग कीजिएगा। स्वागत स्वागत। चीखी चिल्लाई दब गई आवाज, मदद की आस की होगी। चीखी चिल्लाई दब गई आवाज, मदद की आस की होगी। जब सिसकियों में उसने अपनी आखिरी सांस ली होगी। जब वो दुराचारी डॉक्टर मोमिंदा के साथ इस प्रकार से दुराचार कर रहे थे तो वो चीखी भी होंगी, चिल्लाई होंगी। चीखी चिल्लाई मदद की आस की होगी। चीखी चिल्लाई मदद की आस की होगी। जब सिसकियों में उसने अपनी आखिरी सांस ली होगी। नाश्लील कपड़े पहने ना नियत में कोई खोट था। नाश्लील कपड़े पहने ना नियत में कोई खोट था। गले में पड़ा था आला, देह पर सफेद कोट था। गले में पड़ा था आला, देह पर सफेद कोट था। अरे साहब, उसने सफेद कोट पहन रखा था, वो उस पोशाक में थी जो आप लोगों की जान बचाती है। कोई अश्लील कपड़े नहीं पहने थे उसने। निर्वस्त्र किया तन को आंखों से खून बह रहा था। डॉक्टर मोमिता के साथ इस प्रकार से दुराचार किया उन लोगों ने, उन्होंने चश्मा पहन रखा था, उस चश्मे को फोड़ दिया, उसका कांच उनकी आंखों में चला गया। निर्वस्त्र किया तन को आंखों से खून बह रहा था। सुसाइड नहीं है ये, सेमिनार हॉल का हर कोना कह रहा था इसे। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ने सुसाइड बता दिया। निर्वस्त्र किया तन को आंखों से खून बह रहा था। सुसाइड नहीं है ये, सेमिनार हॉल का हर कोना कह रहा था। चीखी चिल्लाई दब गई आवाज, मदद की आस की होगी। जब सिसकियों में उसने अपनी आखिरी सांस ली होगी। श्रद्धा पाठक यहाँ है।